Hello my YouTube family, good evening and welcome back to my new vlog. I hope you and your family are doing good. Right now it's 6:17. आज सुबह से मुझे ठीक तो लग रहा था, बट आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूँ, आज व्लॉगिंग नहीं करूँगा. और आज शाम तक अभी तक मैंने व्लॉगिंग ही नहीं की थी और आज करने ही नहीं वाला था मैं, बट अचानक से सूरज और कुलदीप भाई का कॉल आ गया तो आज हम लोग जा रहे हैं मॉल में शॉपिंग करने. एक्चुअली सूरज को शॉपिंग करना है बट साथ में हम लोग भी जा रहे, कुछ पसंद आ जाएगा तो हम भी ले लेंगे. और उसी के साथ मुझे मेरा घड़ी का भी रिपेयर करवाना है. ये घड़ी जैसे कि मेरी गांव में बंद पड़ गई थी तो ये भी लेकर जाता हूँ, देखते वहाँ पर अगर फॉसिल का स्टोर होगा और वहाँ पर रिपेयर हो सकता है तो वहाँ पर ये रिपेयर भी करवा देंगे. पूजा और मेरी तबीयत तो ठीक हो गई, पूजा ऑफिस भी चले गई, बट यहाँ से कल रात से मम्मी की तबीयत खराब हो गई. लगता है हमारा ही फीवर मम्मी को फैल गया और अब मम्मी थोड़ी बीमार है, पर अभी फिलहाल ठीक है. बाकी सब तो एकदम मस्त है, कोई टेंशन नहीं है. फिलहाल के लिए गाड़ी को थोड़ा गर्म करने के लिए रखा, क्योंकि दो दिन से मैंने गाड़ी को हाथ ही नहीं लगाया, गाड़ी यहीं पर खड़ी थी. तो इट्स बेटर कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंजन अच्छा सा हीटअप हो जाए, फिर उसके बाद निकलेंगे. तो सबसे पहले कुलदीप भाई के इधर जाना है, वहाँ पर सब लोग को पिकअप करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे ग्रैंड सेंट्रल मॉल. हो गए एकदम मस्त चकाचक हीट, अब गाड़ी को आगे ले लेते हैं. एक हाथ से धकलने में बहुत परेशानी होती है, देख लीजिए पेट्रोल का पावर. एक रेस दो और गाड़ी क्या मस्त स्मूथ जाती है. यार ये साइड का मिरर बार बार खराब हो जाता है, पता नहीं कौन खराब करता है, बार बार मुझे सेट करना पड़ता है. बारिश को भी पता नहीं क्या हो गया, कभी आती है कभी नहीं आती है. अभी जस्ट मैं निकल रहा था, निकलने से थोड़ी देर पहले ही आ गई. फिलहाल तो अभी आ रही नहीं है तो सही है, बिगड़ा नहीं हूँ. अर्जुन की सर्विसिंग करके अर्जुन को एकदम मस्त टकाटक कर दिया था. और ये देखिए ये जो अंदर का बल्ब है ये उड़ गया, आई मीन पूरा खराब हो गया, लाइट ही नहीं जल रहा है उसका. कितने बार मैंने बंद चालू किया बट फिर भी ये लाइट चालू नहीं हो रहा. लगता है ये अंदर का जो व्हाइट लाइट है इसे मंगाना पड़ेगा नया वाला. अभी फिलहाल के लिए जो ये लाइट है ये तो ज़्यादा काम का ही नहीं है, ज़्यादा रोशनी नहीं गिरती है, तो फिलहाल के लिए ये वाला यूज़ कर रहा हूँ. सूरज के घर से स्टेशन वॉकेबल डिस्टेंस सिर्फ 5 मिनट का है, तो हम लोग चल के ही जा रहे हैं. एक्चुअली हम लोग स्कूटी लेकर जाने वाले थे बट स्टेशन के पास जो एरिया है पार्किंग का वो अच्छा नहीं है, वहाँ पर स्कूटी ऐसे ही रख देते हैं, मतलब किसी का भी कहाँ पर भी रहता है. पता चला जब हम लोग रिटर्न आ रहे हैं सूरज की गाड़ी कहीं पर गिरी पड़ी है, तो इसलिए मैंने सूरज को बोला कि यहाँ पे मत रख, हम लोग चल के ही जाते हैं और चल के ही आ जाएंगे रिटर्न घर पर. सो आज हम लोग मॉल ट्रेन से ट्रैवल करेंगे. वैसे हम लोग स्कूटी से भी जा सकते थे बट फिर जैसे कि अभी बारिश गिरी, बारिश ने मौसम पूरा अलग ही बदल दिया है, तो इसलिए हम लोग ट्रेन से ही जा रहे हैं. बाय द वे अभी जस्ट एक जोक हुआ, जो मेरा वॉच ख़राब है तो मेरे को वॉच चेंज करना है. सूरज के हाथ में भी वॉच है, मेरे हाथ में दूसरा वॉच है, सिर्फ भाई के हाथ में वॉच नहीं है, कुलदीप भाई के. तो कुलदीप भाई क्या बोल रहे हैं, क्या लेना है? वॉच अल्ट्रा. नहीं में लोगे वॉच अल्ट्रा? आज होने का खर्चा ओनली वन लाख. नहीं नहीं 40 नहीं 60,000 रुपए का है ना? 90,000. सही में 90,000? ओह माय गॉड, मुझे तो प्राइस ही नहीं पता था, मुझे सिर्फ इतना पता था अल्ट्रा वॉच आया है नया, दूसरा 8 के बाद ना. एट अल्ट्रा है. ये सारा पार्किंग प्लेस नहीं, ये पूरा स्ट्रीट है. देखिए आधे रोड में तो पूरी गाड़ी भर चुकी है, मतलब आधा रोड तो ये पार्किंग ने कवर कर लिया, इसलिए मैंने सूरज को रिकमेंड किया था कि मत लेकर आ. अरे भाई बॉम्ब लेकर गए क्या? क्या है रही है? अच्छा मोबाइल चार्जिंग, मोबाइल चार्जिंग. पर ये निकालते कैसे इसको? निकाल, अच्छा पेमेंट करना पड़ेगा. वाह मस्त लगा के रखा यहाँ पर. अब चलने बैठ गया मस्त. ले पहनने का तेरे को पहन. अरे अच्छा लग रहा तेरे हाथ में. अंकल इसका चेंज होगा, इसका लाइट नहीं चल रहा. लाइट का बटन ये गोल्डन वाला है ऊपर. हाँ इसका देख लो ना, इसको लाइट में दो बैटरी रहता है. अच्छा. मॉल के अंदर एंटर मारते सबसे पहला मेरा काम हो गया, और एक वॉच का नहीं दोनों वॉच का हो गया. तो इसका जो लाइट नहीं चल रहा था इसका भी मैंने रिपेयर करवा दिया. ये वॉच की बात सुनकर तो मैं खुद शॉक हो गया था. बैटरी तो इसकी फुल चले गई थी बट फिर भी ये जो वॉच है अच्छा खासा चल रहा था, मतलब जो टाइमिंग वगैरह ये सब चीज़ है मस्त चल रहा था विदाउट बैटरी. अब बैटरी चेंज कर दे, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी. अब सूरज की शॉपिंग करते. ये भी शर्ट नया कलर ऑप्शन है, अगर आप कुछ
नहीं, ये गोवा जाने के लिए सही है, ऑफिस के लिए, पार्टी के लिए। अभी तक कपड़े अच्छे थे, तूने उसमें डाल के खराब कर दिए, गंदा दिख रहा है वो बैग। चल ठीक है, चल चल ट्राई कर लेना बाद में। तो फिलहाल के लिए अभी सबसे पहले सूरज की शॉपिंग हो रही है। भाई तू कितना कपड़ा लेके गया, उधर देख क्या लिखा है। मस्त लग रहा है, प्राइस के हिसाब से एकदम मस्त लग रहा है। पहन के निकल तू, मस्त मैचिंग हो रहा है, देख रेड ब्लू वॉच देख गोल्डन साथ में, सिर्फ चप्पल मैच नहीं हो रहा बस। सूरज ये वाला ले, ये ट्राई नहीं करेगा। सूरज के साथ साथ मेरा भी खर्चा हो गया, मुझे ये वाला पसंद आया तो मैंने ये वाला ले लिया। अरे ये क्या है, अंदर से जाना है। एक काम कर सूरज, तू ही ले ले। सूरज एक चीज दिखाओ, देखो ऊपर देख प्लग। ये प्लग इधर लगाया क्यों इतना ऊपर, कौन जाएगा कौन। ओ माय गॉड, इतने बड़े पिलर में एकदम टॉप पे लगाया इसको। हाँ वहाँ पर ही, वहाँ पर वो मेन पॉइंट होगा शायद से। एप्पल राइट में ये साइड है, मैं ही भूल गया, बहुत टाइम बाद आ रहा ना इसलिए पता नहीं चल रहा है। सूरज और मेरी शॉपिंग तो हो गई, अभी कुलदीप भाई की शॉपिंग करने जा रहे, वो भी एप्पल स्टोर में, देखते क्या लेते। हो अरे वॉच है के क्या ये इतना जाड़ा, बाप रे क्या स्मूथ है, ले रहा है। तीन लेते हैं गाइस, तीन मतलब राहुल कंडरी व्लॉग में अच्छा खासा हो रहा है तो हमें वो दिला देंगे तीन। और गिव अवे का क्या सीन है, तू बोल रहा था कुछ तो गिव अवे देने का है। कर देते हैं, वो दिन में 5,000 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो गिव अवे कर देंगे। अगर इतना होता है तो भाई अपन करते हैं। इसका ये जो बेल्ट का सिस्टम है वो बहुत सही लग रहा है यार, ये क्या सिस्टम है, वाओ मस्त लगा है रे वायर, इतना अच्छा दिख रहा है। हाँ ये ऐसी है, ऊपर है क्या, आज लगता है पक्का लेके ही जाना है, बाकी टाइम ही नहीं मिलेगा ना, मैं आते ही नहीं। आते ही भाई ने फटक से वॉच डन कर दिया था, ऐसी वॉच चाहिए था भाई को, बट यहाँ पर इतने बड़े शॉप में वो अवेलेबल ही नहीं है, तो अभी हमें दूसरे शॉप में जाना पड़ रहा है। कौन सा शॉप है, क्रोमा या तो रिलायंस में जाके देखते हैं, वहाँ पर अवेलेबल होगा तो आज ही ले लेंगे, क्योंकि बाद में भाई को टाइम नहीं मिलने वाला। तू क्या लेने वाला है, अल्ट्रा प्रो मैक्स क्या है, एप्पल ने लॉन्च ही नहीं किया, क्या बोल रहे तू। सब ले लेंगे। यहाँ पर इतना बड़ा शॉप है सीढ़ी के बाजू में और हम ऊपर ढूंढ रहे कहाँ पर है, कहाँ पर है, मिल रहा ही नहीं था। आप सब लोग यहाँ पे कहाँ पे आए, उधर है आगे सामने ही है। सूरज को कितना घाई हो रहा है, फटाफट भाग रहा है उधर। मुझे नहीं लगता यहाँ पर मिलेगा कि नहीं, क्योंकि एप्पल का जो प्रोडक्ट है बस ये दो टेबल पे ही है, ज्यादा नहीं। हो एक नंबर। कलर कुछ अजीब सा लग रहा है यार यहाँ पर, लाइट में पर्पल है क्या, पर्पल है पर पता नहीं चल रहा है। फिलहाल ये भैया देखने गए अवेलेबल है कि नहीं, आप थोड़े टाइम में एप्पल इधर बनाएगा कैमरा पूरा भाई। ये छी अच्छा नहीं है, बट ये पर्पल कुछ अलग ही लग रहा है यार, पर्पल पता ही नहीं चल रहा है। हाँ यहाँ पर लग रहा है, ये पेन चल रहा क्यों नहीं है, रिफिल खत्म हो गई उसकी। हाँ यार ये देखना चल क्यों नहीं रहा, रिफिल खत्म हो गया। अच्छा बैटरी बैटरी पे चलता है ये, मतलब चार्ज खत्म हो गया। डाला क्या उसको बराबर अंदर, हाँ अच्छा पैर करना पड़ता है, मेरे को येड़ा बनना था, मेरे को लगा चार्जिंग करना पड़ेगा, चार्जिंग ही था इतना 2 सेकंड में। अरे वो पैर नहीं हुआ, 2% बचा है बस, 2% ही चार्ज हुआ। क्या चार्ज हुआ है, वाह दिख रहा है 2%। अभी आया ना डिस्प्ले में,
अरे बस बस तोड़ेगा टेढ़ा टेढ़ा जा रहा था। यहाँ पर भी नहीं मिला, यहाँ पर भी अवेलेबल नहीं है। अब नेक्स्ट स्टॉप कहाँ पर? घर पे जाने का। चलो भाई रिलायंस में मिल सकता है, अंबानी ने बहुत स्टॉक भर के रखा रहेगा। पनवेल वाले मैपल में मिल सकता है, मतलब दो ऑप्शन और बचे, एक रिलायंस में जाते एक मैपल में जाते। रिलायंस वाले को तो बेचारे को अंदर जगह ही नहीं मिली तो मॉल के बाहर लगा दिया। हमें अंदर ठीक से घुसने भी नहीं दिया, पहले ही बाहर भगा दिया। उधर भी अवेलेबल नहीं है।